हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। बुरी बात है गंगू, सबने साईं बाबा को प्रणाम किया, तुमने क्यों नहीं किया? मारूं? बहुत खराब हो गई है तू। अब याद आया कि इसने खुद साईं बाबा को प्रणाम क्यों नहीं किया, तब गुड़िया के नाम से खुद प्रणाम करना चाहती है। चलो माफी मांगो साईं बाबा से। हाँ, मालिक एक है, ईश्वर कह लो, अल्लाह का नाम दे दो से या यीशु पुकार लो, हैं सब एक ही। हम सबका मालिक वही एक है। इस दुनिया को बनाने वाला वो है और मिटाने वाला भी वो ही है। जो भी इस संसार में हो रहा है सब उसी की मर्जी से ही हो रहा है। उसकी मर्जी नहीं होगी तो पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। इंसान की भलाई उसकी शरण में ही जाने से है। उस पर विश्वास रखो और पूरी श्रद्धा से उसके गुण गाओ। याद रखो, वो हाजिर नाजिर है, हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, यहां तक कि हमारे अंदर भी वो ही है और आप सब में भी वही है। आप में भगवान कैसे हो सकता है बाबा, आप तो खुद भगवान हैं। क्या हुआ बेटी? इस गुड़िया ने साईं बाबा को प्रणाम नहीं किया बाबूजी। बुरी बात है गंगू, सबने साईं बाबा को प्रणाम किया, तुमने क्यों नहीं किया? मारूं? बहुत खराब हो गई है तू। अब याद आया कि इसने खुद साईं बाबा को प्रणाम क्यों नहीं किया, तब गुड़िया के नाम से खुद प्रणाम करना चाहती है। चलो माफी मांगो साईं बाबा से। माँ कहती है साईं बाबा की कृपा हो तो काल भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। साईं बाबा इस गंगू को माफ कर दो। हाँ। और तुम्हें, तुमने भी तो साईं बाबा को प्रणाम नहीं किया। मुझे तो साईं बाबा ने पहले ही माफ कर दिया था। कर दिया था ना साईं बाबा? हाँ, तुम जैसी गुड़िया को सब माफ है। लो, देखा, साईं बाबा ने हमें माफ भी कर दिया और खुश होकर फूल भी दिया। साईं बाबा, माँ और बाबूजी कहते हैं आप भगवान हैं। लेकिन भगवान के तो तस्वीरों में चार हाथ होते हैं, आपके तो दो ही हैं। मेरे दो हाथ हैं, इसीलिए तो मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ। ना 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 साईं बाबा, माँ कहती है झूठ बोलना पाप है। लेकिन लेकिन क्या? आप तो भगवान हैं, भगवान कभी पाप नहीं करते। चलो बेटी घर चलते हैं, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। घर कैसे जाएंगे, माँ ने बोला था प्रसाद लेकर आना, साईं बाबा ने प्रसाद तो दिया ही नहीं, है ना गंगू? अल्लाह, घर जाऊं, गंगू को भूख लगी है।
मैं फिर आऊंगी, आऊं ना साईं बाबा। जरूर, तुमने आज यहाँ आकर जो प्यारी प्यारी बातें की, इससे यहाँ की हर ईंट खुश हुई। मतलब आप खुश नहीं हुए? पार्वती, हमारी बच्ची पर साईं बाबा की कृपा हो गई। शांता, क्या कह रहे थे साईं बाबा? कह रहे थे भगवान हर तरफ है, हर जगह है, लेकिन माँ साईं बाबा तो द्वारिका माई में रहते हैं, वो हर तरफ हर जगह कैसे हो सकते हैं? शांता बेटी, उन्होंने एक बात कही थी कि श्रद्धा रखो। श्रद्धा होगी तो क्या साईं बाबा मुझे हर तरफ दिखाई देंगे? हाँ बेटी, श्रद्धा होगी तो साईं बाबा तुम्हें हर तरफ दिखाई देंगे। गंगू, तुम भी आंखें बंद कर लो और साईं बाबा को पुकारो, साईं बाबा हमें दिखाई देंगे। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। गंगू आंखें खोल। तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। गंगू, माँ और बाबूजी को बोलो श्रद्धा से देखो, तभी तो भगवान दिखाई देते हैं। श्रद्धा रखो, श्रद्धा।